यार नहा नहीं आया क्या? इसके ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ मैं। हाँ तो फिर हमने परमानेंट टिश्यूज में देखा अलग अलग, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा हमारे डेड सेल्स थे। फिर हमने जाइलम, फ्लोएम के बारे में देखा। जाइलम का क्या काम था? हाँ वैस्कुलर, हाँ। और फ्लोएम का क्या काम था? ट्रांसपोर्टेशन का काम आपका वैस्कुलर टिश्यूज का था। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि हमारे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहली बात तो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज क्या थे हमारे? कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, और परमानेंट क्या है? डिवाइड नहीं करते। कब डिवाइड नहीं करते? जब वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, कब डिवाइड नहीं करते? जब वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? यहाँ के सेल्स स्मॉल होते हैं। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है उनके सेम डायमीटर, यानी कि सेम सर्कल होता है, सेम साइज के। आइसोडायमीटर, डायमीटर सेम होता है। परमानेंट टिश्यूज जो है हमारे, उनका शेप और साइज दोनों डिफरेंट होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज का शेप और साइज क्या है? दोनों डिफरेंट होता है। तीसरा, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज की हमारी सेल वॉल थिन होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज की क्या होगी? हमारी थिक होगी। ठीक है, सबको समझ में आया? यहाँ पे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में न्यूक्लियाई क्या होगा? लार्ज होगा। कोई रीजन बताएगा क्यों न्यूक्लियाई लार्ज होगा? हाँ, इसमें क्यों लार्ज होगा ये बताओ। हाँ, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वो चाहिए। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लिया यहाँ का लार्ज होता है, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज का। इनका क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में क्या है? वैक्यूल्स एब्सेंट है। और वैक्यूल्स क्या होते हैं हमारे? वाटर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसे कौन से टिश्यूज हैं आपके प्लांट्स के जिनके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट हैं। ठीक है, तो वो होंगे आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, और जो इसमें प्रेजेंट है वो है परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, फिर सिक्स आता है हमारा इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी कि सेल्स के बीच में स्पेस। यहाँ के सेल्स कैसे होंगे? ऐसे होंगे, बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी स्पेस उनके बीच में नहीं होगा। ठीक है, ये वाले क्या होंगे? ऐसे होंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बीच के स्पेसेस इनके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली जब ये कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें एक्टिविटी क्या हो रही है? हाई रेट पे हो रही है, फास्ट रेट में हो रही है। यहाँ पे लो रेट पे हो रही है। ठीक है, फिर क्या है हमारा? इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, यानी कि केमिकल्स, केमिकल इंक्लूजन्स, इंक्लूजन्स यानी कि खाली स्पेस जिसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे एब्सेंट है हमारे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। फिर आता है हमारा, इसके सेल अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, इसके सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि वो अलग तरीके से बढ़ सकते हैं, ये नहीं बढ़ सकते, इनमें डिफरेंशिएशन की पावर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? आप देखिएगा, पेड़ की जो टहनी होती है, पहले छोटी सी होती है, पतली सी होती है, ग्रीन कलर की होती है। फिर जब वो ट्री बन जाता है, तो वो बार्क कितनी बड़ी हो जाती है। तो क्या किया? सेल्स ने डिफरेंशिएट किया अपने आप को अलग तरीके से। ठीक है, क्या? हाँ, तो डिवाइड ही तो करके चेंज हो रहे हैं, चेंज करना होता है अपने आप को। ठीक है, चेंज करना होता है अपने आप को। तो ये अपने आप को नहीं कर रहे हैं, वो चीज अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं अलग चीजों में, ये कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यूज, ये सिंपल टिश्यू है हमारे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, और ये सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? एक बार दोबारा पढ़ लो, ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जैसे
सिंपल किस तरीके से, सिंपल आपके पैरेन्काइमा हो गया, सिंपल है वो टिश्यूज, सिंपल पैरेन्काइमा। कैसे, सिर्फ क्या काम है आपका, सिंथेसिस का काम है, प्रोटीन का काम है, मेटाबॉलिज्म का काम है, ये सिंपल काम हो गया। कॉम्प्लेक्स कैसे, जाइलम फ्लोएम, पूरे पार्ट में पानी को अगर पहुंचाना है तो वो बहुत बड़ी चीज है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है। एक छोटी सी टहनी, जैसे हमारे अंदर ब्लड एक हमारी चितली उंगली छोटी सी पैर की उस तक जाता है, वैसे ही प्लांट में भी पानी या फिर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम आपके जाइलम और फ्लोएम, तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स वर्क, ठीक है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स समझ में आया, एक बार फिर से पढ़ लो इसको। सेम डायमीटर मतलब साइज ही, साइज सेम होगा ऑलमोस्ट। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर आते हैं आपका एनर्जी का बनना, एनर्जी का टूटना, श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, ट्रांसपिरेशन की तरीके से होता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, किसी को पता है? हाँ वाटर लॉस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का मतलब है वाटर का लॉस होना। प्लांट्स हमारी तरह एक्सक्रीशन नहीं करते हैं, वो जो चीजें लूज करते हैं वो या तो वाटर के थ्रू होती है या फिर उनके रूट्स के थ्रू होती है, तो वो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में आता है। हाँ मेंटेन ही करने के लिए होता है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस आपके यहाँ, ठीक है। सबने पढ़ लिया, एक बार दोबारा देखते हैं फंक्शंस, ताकि जब क्वेश्चन मैं कराऊं तो आंसर गलत ना हो, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम, जाइलम आपका किससे बना है, ट्रैकीड्स मैंने बताए थे, ठीक है, ट्रैकीड्स बताए थे। फ्लोएम आपका किससे बना है, और सीव सेल्स में क्या इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, न्यूक्लियस नहीं है और कंपेनियन सेल्स होते हैं आपके, ठीक है। फंक्शन क्या है, शुगर, फूड, न्यूट्रिएंट, जो भी, ठीक है, शुगर्स का मतलब वही होता है। ये कहाँ पे होता है, फिर आए हमारे एपिडर्मल टिश्यूज, यानी कि जो बाहर की लेयर फॉर्म करते हैं, पैरेन्काइमा, ठीक है। क्या काम है इनका, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना प्लांट और टिश्यूज को, और वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, ठीक है। कहाँ पे है, वही सारी जितनी भी आउटर लेयर्स हैं, जैसे हमारी स्किन है हम उनको पूरे को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं, पैरेन्काइमा होती है जो बाहरी लेयर होती है उनकी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है, तीनों। ये ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मल टिश्यूज में पैरेन्काइमा होते हैं लेकिन ये दोनों नहीं होते, कॉलन और स्क्लेरन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्लांट का मास बनाते हैं, मतलब जो वेट प्लांट का सबसे ज्यादा होता है वो किसकी वजह से होता है, इन तीनों की वजह से होता है, ठीक है। ये भी स्टेम्स, रूट्स और लीव्स में होते हैं, ठीक है। फिर आए हमारे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, पेरेन्काइमा। फंक्शन है डिवाइड करते हैं, न्यू ग्रोथ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, शूट की टिप पे होंगे, टिप पे होंगे ना, तभी तो टिप बढ़ेगी आगे, रूट की टिप पे होंगे। बर्ड्स, बर्ड्स क्या हो गई आपकी कलियां, ठीक है, फूलों की कलियां उनके ऊपर होंगे। इन अ रिंग अराउंड द स्टेम इन वुडी प्लांट्स, जो वुडी प्लांट्स होते हैं ये हमारी स्टेम है उसके ऐसे होंगे ये चारों तरफ स्टेम के, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे बेसिक टिश्यूज थे, ठीक है।
सबको आया समझ? कोई क्वेश्चन? ये हमने कल करा था. ये भी करा था. इस तीन का आंसर लिखो. पहला, सेकंड वाला, एट द टिप ऑफ रूट. गुड, ठीक है. लेटरल. ठीक है, ये इसके आंसर थे. ये बताओ. हाँ, करेक्ट. फिर दिमाग लगा के करना. कोकोनट हस्क. कोकोनट हस्क का मतलब है जो बाहर हम कोकोनट छीलते हैं. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. स्क्लेरेन काइमा. क्यों? क्योंकि वो डेड सेल है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स? गुड. एरेन काइमा और क्लोरेन काइमा किसकी फॉर्म है? हाँ, पैरेन काइमा के. पैरेन काइमा के. एरन काइमा नहीं कराया क्योंकि क्वेश्चन में था, तो मैंने सोचा यही बता दूंगी. तो एरन काइमा वो है जिसमें एयर स्पेसेस फिल्ड होते हैं, ठीक है. क्लोरेन काइमा वो है, क्लोरेन काइमा भी नहीं कराया. क्लोरेन काइमा वो है जहाँ पे आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, वो टिश्यूज हैं, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट आपका ऑर्गेनल है. क्लोरोप्लास्ट क्या है? ठीक है, पूरा एक ऑर्गन है, अंग है. अंग से पहले क्या होता है? टिश्यू होता है. तो वो कौन सा टिश्यू है? क्लोरेन काइमा है, ठीक है. और इसके अंदर क्या है आपका? क्लोरोफिल बंद है. तो इसमें कंफ्यूज मत होना, तीनों चीजें एक जैसी हैं, बट कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है. आया सबको समझ? ये इसका आंसर था. ये रहने दो, ये क्वेश्चन मेंस का है आपका. कोई एक कंफर्टेबली करके दिखाओ, कोई भी एक लिखो, कोई भी एक कह रही हूं मैं. जितना तुम्हें आ रहा है, जितना तुम्हें याद है, जितना तुमने पढ़ा है, अभी कोई वर्ड्स नहीं इसमें. कोई भी एक करके दिखाओ. न्यूक्लियस वाला पॉइंट. बस न्यूक्लियस वाला पॉइंट. न्यूक्लियस लार्ज और स्मॉल का था. कोई नहीं, आइसोडायमेट्रिक था. आइसो डायमेट्रिक. आइसो जहां पे भी आ जाए ना, उसका मतलब सेम होता है, ठीक है. तो आइसो डायमेट्रिक. तो
इधर गलत लिख दिया ना,